हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप लोग देख रहे हैं क्रेजी अबाउट बॉडी बिल्डिंग हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडियन बॉडी बिल्डिंग गॉडफादर मनोहर आइच के बारे में, जिन्होंने 1952 में नाबा मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत के अपना नाम और अपना देश का नाम सबसे ऊंचा किया है। हम लोग पॉकेट हरक्यूलिस मिस्टर एच के बारे में आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मनोहर एच 17 मार्च 1912 में ब्रिटिश इंडिया के अंदर बंगाल के कोमिला डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिया था, जो अभी बांग्लादेश में है। उनका बचपन से ताकत संबंधी खेल जैसे रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग के तरफ रुचि था। 12 साल की उम्र में ही काला बुखार के वजह से उनका तबीयत खराब हो गया। उन्होंने वर्कआउट और फिजिकल एक्सरसाइज के प्रयास से अपना ताकत पुनः हासिल किया। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स, इंडियन ट्रेडिशनल पुशअप्स शुरू कर दिया। उन्हीं समय में उन्होंने प्रति सेट 100 रेप्स तक एक्सरसाइज परफॉर्म किया करते थे। एच ढाका के जुबली स्कूल में पढ़ते थे। उसी समय अपने शारीरिक व्यायाम के लिए रूपलाल व्यायाम समिति जाना चालू कर दिया। बाद में आर्थिक तंगी के लिए उन्होंने पीसी सरकार के साथ फिजिक एंड मैजिक शो में परफॉर्म करना चालू कर दिया। स्टेज में अपने दांतों से स्टील रॉड बेंडिंग, स्पीयर बेंडिंग जैसे खेल दिखाया करते थे। एज जब बॉडी बिल्डिंग शुरू किया था तब इंडिया में इतना सारा जिम नहीं हुआ करता था। 1942 में एज ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स में खुद को शामिल किया, मगर उसी समय इंडियन फ्रीडम आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एच का कोई सीनियर ऑफिसर द्वारा इंडिया के बारे में बुरा कहने पे उन्होंने ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया। तुरंत एच का कोर्ट मार्शल हुआ, एच को जेल में डाल दिया गया। जेल में ही रहते हुए एच ने बिना जिम इक्विपमेंट के बॉडी वेट एक्सरसाइज शुरू कर दिया। जेल का जेलर उसका फिजिक देखते हुए, उसका डेडिकेशन को देखते हुए प्रभावित हुए। उन्होंने उसको अच्छी डाइट और दूसरा सुख सुविधा देना चालू कर दिया। 1947 में आज़ादी के बाद उन्होंने कोलकाता में शिफ्ट होने का सिद्धांत लिया। कोलकाता में आके सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर नारियल बेचना चालू कर दिया। उन्होंने प्राइवेट बॉडी बिल्डिंग शो भी चालू कर दिया ज़्यादा पैसे के लिए। 1950 में उन्होंने 38 साल की उम्र में मिस्टर हरक्यूलिस का खिताब अपने नाम किया। इसलिए उन्हें पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता है, क्योंकि उनका हाइट थोड़ा शॉर्ट था। उनका कमर 23 इंच का था और चेस्ट 54 इंच का, बाइसेप 18 इंच का। परफेक्ट फिजिक, सिमिट्री एंड प्रोपोर्शन के लिए एज को जाना जाता है। 1951 में एच ने मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 1952 का मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन अपने नाम करने के लिए एच ने लंदन में रह के कंपटीशन का तैयारी चालू कर दी। लंदन में पैसे के लिए एच ने बस कंडक्टर का काम चालू कर दिया। बॉडी बिल्डिंग के लिए एच इतना डेडिकेटेड था कि 1952 का ग्रुप 3 मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। बाद में उन्होंने बहुत बार मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। 1955 और 1960 में उन्होंने थर्ड एंड फोर्थ प्लेस सिक्योर किए थे अपने नाम पे। एशियन गेम्स में भी उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है। 1991 में एच इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और 1,63,000 वोट के साथ थर्ड प्लेस सिक्योर किया। 2015 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एच को बंग विभूति अवार्ड से सम्मानित किया। बाद में एच ने अपना जिम चालू किया। उनका दो बेटे अभी ये जिम चलाते हैं। एच अपना पूरा जीवन बॉडी बिल्डिंग को डेडिकेट किया है। आखिरी दिनों में एच लिक्विड आहार में थे। 5 जून 2016 में एच का ज़्यादा उम्र के कारण चल बसे।
कोलकाता के दमदम में उनका मृत्यु हुआ 104 साल की उम्र में। आर्नोल्ड शोर्ज़नेगर के बहुत बड़े फैन थे और एज का पिक्चर भी लंदन की मैगजीन में भी आया था। इंडियन और इंडियन बॉडी बिल्डिंग हमेशा एज को याद रखेगा, एज से प्रेरणा लेगा। थैंक यू दोस्तों मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे इस क्रेजी अबाउट बॉडी बिल्डिंग हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।